वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर व्लॉग। आज हमारा सेवंथ डे हो चुका है 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज का। एंड गाइस तुम लोग देख सकते हो आज मैं कहीं और ही पहुंचा हूं भाई। कल रात को जो सीन हुआ था ना भाई, जो मैं लैपटॉप का वो तार भूल गया था, मैं कल रात को गया आई थिंक ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास पहुंचा था मैं ना। तो मेरा दोस्त मेरे उसी शॉप के बहुत नजदीक रहता था, तो मैंने उसको बोला भाई मैं तेरे घर आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं वापस जाऊंगा तो बहुत दूर हो जाएगा। मैं तुम लोगों ने इसके घर से बाहर का व्यू दिखाता भाई, तुम लोग देखो एक बार। इधर को मस्त पहाड़ है बट सामने को देखो ये बंदा एकदम खतरनाक व्यू के पास आता है भाई। अब ये चीज गाइस हमारे जहां हम लोग रहते हैं ना शिमला में, वहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मुंह के सामने बिल्डिंग, इधर को पेड़, मतलब हर जगह से हम लोग ढके हुए हैं भाई। ऐसा खुला व्यू नहीं है भाई हमारे पास, तो इस जगह पे आके बड़ा मजा आता है यार। और अभी ऑलमोस्ट 10 बजने वाला है, मुझे घर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि दीदी को थोड़ा काम वगैरह लैपटॉप के लिए, वो तार तो देनी पड़ेगी उसको, है ना। तो निकलते हैं भाई यहाँ से। ये देखो मैं क्या लेकर आ गया हूँ तुम्हारे लिए। क्या लगी चाय पीने? अंधेरा क्यों किया? चल देख तो घर के अंदर खुद है मेरे को, और अंधेरा क्यों किया भाई? ऑन कर देख, मैं तेरे क्या लेके आया उसके अंदर, इसके अंदर मैं तेरे गिफ्ट लेके आया। खोल दे उसको एक बारी, मुझे मेरी चाय एंजॉय करने दो। अबे खोल इसको, सिस्टम है इसके अंदर भाई, खोल। पहले मैं बैठूंगी, गला ही खराब हो गया, खोल। आपके लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ। फाइनली चार्जर आ गया। इस एक चीज ने भाई मेरे को रातों रात दौड़ाया, मेरे को वहीं पर रुकना पड़ गया। एंड गाइस देखो ये इस चीज की बात कर रहा था मैं, रातों रात दौड़ा मुझे वहीं रुकना पड़ा। कोई वहीं नहीं रुकना पड़ा, इसका अपने दोस्तों का प्लान था क्या? नहीं प्लान प्लान कुछ नहीं था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा भाई मैं जा तो रही हूँ, ऑलमोस्ट 9 बजे पहुंचा मैं ऑलमोस्ट दुकान है, बहुत दूर है जगह, तो मैं पास में अपने दोस्त के पास चला गया। चलो अब तू फाइनली काम कर सकती है, चल जा एडिटिंग स्टार्ट कर। काम करने के लिए पहले यहाँ पे आ गया ना, तो पहले शूट करने का तुमने वीडियो बकवास करा उसके बाद। अच्छा हमने तो तेरे वीडियो शूट किया, चलो तुम लोगों को बिहाइंड द सीन दिखाता रहूंगा साथ साथ में। तो गाइस यार आज हम लोग मेरी बहन दीदी के लिए ना इसके चैनल के लिए एक व्लॉग क्या कर रही है डांस लगी करने, एक वीडियो वगैरह शूट कर रहे, तो उसके लिए आई थिंक कोई 5 मिनट क्राफ्ट के हैक वाली वीडियो शूट कर रही है। अभी हम लोग मैगी खा रहे हैं, कूड़ा तो है ये, बट तुम लोग इसकी वीडियो में देख लेना कि मैं मैगी इस पैकेट के अंदर से क्यों खा रहा हूँ भाई, और ये मैगी इतनी अजीब सी क्यों है। अरे बाद में पूरी पूरी कच्ची मैगी है जिसने अंदर पका के लेके आई है, बट मैं तो पूरे तरीके से भाई इसको एंजॉय कर रहा हूँ, टेस्टी बहुत यार। मेरा वो खराब कर रहा है वीडियो, ये देख। ये तो भाई तुम लोगों को बिहाइंड द सीन वाले तो देखने पड़ेंगे बाद में। मुझे भी खाना है, क्या खा रहा है मेरी मैगी सारी, चल रही नहीं भाई है, टेस्टी है। बट तुम लोगों ने कहा इस वीडियो जरूर देखना इसके चैनल पे कि मैं मैगी के पैकेट के अंदर से क्यों खा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा होता है, बड़ा गंदा, देख रहे हो कितना मैसी हो गया, मेरे को साफ करना भी, सब कुछ साफ करना है। तो करियो ना साफ, रो क्यों रही है, बता नहीं रहा तू को। 5 minutes later. तो all right guys, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, गलती से नमक पानी सब गिर किया, ये तेरी कसम से गंद वहाँ पानी। एक्चुअली गाइज हम लोग ना एक और 5 मिनट हैक करने को ट्राई करते हैं वाटर फ्लिप का कुछ सिस्टम, एंड यहाँ पे ना हर जगह पे नमक और पानी गिर गया गलती से यार, सॉरी मैन सॉरी। चलती इसको तो बाद में वो कर लियो पूरा, मेरे पैर भी गंदा हो गया, इसको भी धो ले यार। सारा का सारा पानी मेरे पैर पे गिर गया गलती से गाइज, चलो कोई बात नहीं यार, होता रहता है सबको थोड़ा बहुत। और गाइज तो यार अभी ना शाम के ऑलमोस्ट कितने 4 बज चुके हैं, एंड अभी हम लोग यहाँ पे 2 काम कर रहे हैं। पहली चीज दीदी यहाँ पे नया लैपटॉप है, माइनक्राफ्ट की प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि आज हम लोग कुछ तो ये वाला मैप तो लोगों ने शायद गाइस देख लिया होगा ऑलरेडी, इसकी वीडियो हम लोग बना चुके हैं, तो थोड़ा ये प्रैक्टिस कर रही है अपनी मूवमेंट का ताकि अच्छा खेले, क्योंकि बहुत नुबड़े की तरह खेली थी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने उसको बोला खेल ले, ठीक है ना। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा फिटनेस का ध्यान रखना है, तो आई थिंक 5000 के आसपास स्टेप्स कंप्लीट करने वाला हूँ, 5000 के आसपास। तो भाई और सामान सामान लेके भी आना थोड़ा बहुत राइट, तो मैं सारा सामान लेके आ जाऊंगा, एंड मिलता हूं मैं तुम लोगों से 1 घंटे के बाद। तो देखो गाइस, तो भाई अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, तेरे को टास्क मैन दिया हुआ, तेरे को अच्छे से सीखना है, अभी आगे बढ़ना थोड़ा, चल आराम से, अब आराम आराम तो चलते, शाबाश। अब तो ये क्राउच करना, क्राउच कैसे करते है, ये उछल रही है भाई, क्राउच कैसे करते है, शिफ्ट दबा के क्राउच करते है। देख ऐसा भाई, 1 घंटे बाद वापस आऊंगा, मैं चाहता हूँ कि तू थोड़ी सी प्रो बन जाए गेम का, ठीक है ना, ज्यादा कुछ हो ना हो। A few moments later. All right, boys and girls. Finally, वापस घर पहुंच चुका, वापस सामान के साथ है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मैंने कितना चला है आज भाई, सामान को इधर रखना पड़ेगा। चेक दिस आउट गाइस, 4412 स्टेप्स, बट द मेन थिंग इज कि ऑलमोस्ट ना यहाँ से 500-600 स्टेप्स, मतलब मैंने घर के अंदर इस चीज को ऑन करना भूल गया था स्टेप्स वाले काउंटर को ना, तो बाहर जाके मुझे ऑलमोस्ट 600-700 स्टेप्स आगे जाके मैंने भी वापस आके कैलकुलेट किया कि मैंने कहां पर स्टार्ट किया था और कितना मैंने डिस्टेंस में इसको मैं ऑन करना भूल गया, तो एग्जैक्ट जो मेरा पूरा डिस्टेंस बनता है ना, जो मेरा पूरा का पूरा
बेसिकली यहाँ ऊपर एक पूरा पहाड़ है, उसको मैं घूम के आता हूँ, ठीक है ना। तो एक्जैक्ट ऑलमोस्ट एट अराउंड 5000 स्टेप्स होते हैं, जो कि एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। एंड अब देखते रहे दीदी की क्या प्रोग्रेस चल रही है। बेचे मैं पूरे 5000 स्टेप्स कंप्लीट करके आया हूँ, तू तेरी क्या चल रही है दिखा दे रहा। तो बात नहीं करनी है। ओह माइनक्राफ्ट तो भाग रही है अब। ओरे बाप रे बाप यार, ये तीसरे ब्लॉग से नहीं हो रहा मेरे से यार। अरे कोई नहीं, जंप हो ना हो यार, बट तू इतना फास्ट भाग रही। पहले तो भाग रही थी, अब देखो तो एक बारी आई, एक बारी जा फिर से सीढ़ियों में जा एक बारी। ओ भाई कितना तेज भाग रही अब तो। अरे नाइस, एक घंटा प्रैक्टिस करे तूने। अब गाइस फाइनली मैं और ये मिलके माइनक्राफ्ट की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये वीडियो आई थिंक 7th ब्लॉग है हमारा ना, तब तक के लिए इसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी होगी यूट्यूब पे। देखा भाई इधर साले, तेरे को मैं क्या ये मेरे मार रही है। मैं तो क्रिएटिव पकड़ा हूँ लेकिन मुझे नहीं मार पाएगी बेचे। भाई जी फाइनली मेरे भाई ने 30 दिन का जो व्लॉग किया चैलेंज लिया था, भले ही आज डे 6 हो गया, आज 7th डे होगा व्लॉग का, और आज जाके पहली वीडियो आज अपलोड हो रही है। हम लोगों ने क्या सोचा है, 30 दिन में 30 व्लॉग अपलोड करने हैं। इस चैनल पे मैंने मैक्सिमम की थी 12-13 वीडियो अपलोड कर रही है। अब 30 दिन में, वो भी 3 साल में, 30 दिन में 30 वीडियो डाल ले तो हमारे पास कम से कम 6 वीडियो का बैकअप तो चाहिए, है ना यार। आदत नहीं है सच बताऊं डेली व्लॉगिंग करने के लिए ना, बहुत आपको वो चाहिए कि आपको कैमरा उठाना, और इतना आदत नहीं है यार बार बार कैमरा उठा। मेरे को तो बीच में आदत पड़ गई थी लेकिन डेली की नहीं थी, वो भी डेली की अभी आदत होती है। अभी जस्ट मैंने माइनक्राफ्ट की वीडियो शूट करी जिसके लिए प्रैक्टिस वगैरह करी थी इससे पहले, है ना भाई, क्या हालत खराब हुई है। उसके बाद आप फिर से व्लॉग करना है तो यू नो हर वक्त होता नहीं है, बट मजा आ रहा है। लेकिन खुद ही अभी बाहर गया था, ऐसे बताया था ना मैं आपको व्लॉग में, मैं बाहर जा रहा हूँ, एक घंटा प्रैक्टिस करी मैंने, एक घंटा कितना होता है यार। और एंड में क्या हुआ, तेरा गेम प्ले रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जिसका गेम प्ले है ना, जिसने इसका साइड का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ यार, ये ना बड़ी गलत बात है। पता है मेरे को बाद में क्या बोल रहा, मेरे को बहुत दुख हो रहा है। मैं दुख जो मेरे को जो पीड़ा हो रही थी ना अंदर से कि मैंने एक घंटा सीखा काई के लिए सीखा, जब वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैं आई भी दिखा लेती, कुछ भी दिखा लेती मैं तो। अरे कोई बात नहीं, होता है जिंदगी में ऐसा भी, कोई बट चलो मैं खुश हूँ यार कि हमारा व्लॉग फर्स्ट व्लॉग 30 डेज का सुबह 9 बजे अपलोड हो जाएगा। तभी मैंने उसको बोला कि तू शेड्यूल कर ले भाई, तेरे को याद नहीं रहता सुबह, मेरे को भी याद नहीं रहता, तू अब भी डाल दे, सुबह खुद ही डल जाएगा। अरे यार अच्छा, बड़ी खुशी हो रही है। पता घर वाले पूछ पूछ के थक गए कि बेटा कब डाल रहे हो, कब डाल रहे हो। मतलब उनको एक्साइटमेंट है ना कि उनको भी हमने निकाला, मम्मी पापा को भी निकाला साथ में हमने, तो वो पूछ पूछ के थक गए। मैं कहा पापा आप डाल देंगे। अब कल मम्मी पापा को भी खुशी होने वाली, कल सबको खुशी होने वाली है फाइनली। बाय द वे हमने इसमें एक डिटेल गलत बता दी, मम्मी बोल रही थी कि लास्ट व्लॉग इसमें जुलाई में डाला, लेकिन नहीं यार मेरे भाई ने दिसंबर में डाला है, सिंगापुर का डाला है, नवंबर में भी डाला है, पीछे दिख रहा है सिंगापुर का, अक्टूबर में भी डाला है, ऐसी पीछे मेरी थोड़ी सी फोटो दिख रही है सिंगापुर वाली। बाकी यार अभी देखो डिनर बना दिया है मैंने, सैलेड ही बनाया सिंपल सा एकदम, ठीक है। अभी हम काम का डिनर लेकर आ जा, फिर बताते हैं, दिखाता हूँ मैं डिनर। नहीं डिनर तो तू दिखा दे, डिनर पर मैं ये बता रही हूँ कि अभी हम ना फिर से दोनों यार थोड़े थोड़े चबी से हो गए मैं और रितु ना, अभी हम नोटिस। ये देखो और तुमने देखा इससे दाढ़ी काटी है बदतमीज, पहले तो पता मुझे में आया था मेरे सामने, इतना वाहियात लग रहा था ना, मैं फोटो लेने वाली उतना मैं भाग्या बंदा बेटा, फोटो नहीं दूंगा वाहियात खींचने। अरे भाग्या फिर अब पता क्या है ना, अभी इसने जब से इससे दाढ़ी काटी है ना आज दिन से तो इतना मोटा मोटा लग रहा है। मैं कहा भाई तू भी मोटा हो गया, मैं भी थोड़ी बहुत मोटी हो गई हूं, पतले हो जाएंगे अब हम फिर से पतले हो रहे, तो इसीलिए हमारे डाइट भी चल रही है, इसलिए खाने में हम कुछ ऐसा खास नहीं खा पाएंगे। बाकी चलो यार डिनर का टाइम मिलते हैं, पहले खाना वाना बनाते हैं। अभी काम पे लगा, मैं भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, वैसे तो इतनी बुरी लाइटिंग में मैंने अभी पूरा ये शूट कर लिया ना, पर क्या करे यार पीछे से तेरे को पता है लाइट जो पड़ रही है ऐसा लग रहा है सूर्य देवता जी है साक्षात।